हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के अंदर। ये वीडियो होने वाले हैं थाईलैंड स्टिकर वीजा के ऊपर। यार मैं बैंकॉक 3 बार जा चुका हूँ, पर जब 2 बार स्टार्टिंग गया था तो उसमें मैंने लिया था वीजा ऑन अराइवल, और थर्ड टाइम मैंने स्टिकर वीजा अप्लाई किया। और जब स्टिकर वीजा की इन्फॉर्मेशन मैंने अपने यूट्यूब पर वीडियो डाली तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स और इंस्टाग्राम पर मैसेज आए कि थाईलैंड का स्टिकर वीजा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, हो सके तो उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दो। तो मैंने सोचा मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं और बेसिक चीज़ें बता दूं, क्या क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए और जिसके बेस पर थाईलैंड का स्टिकर वीजा अप्लाई कर सकते हो। पहली चीज़, फीस क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड है, क्या प्रोसीजर है, और हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और कितने दिन बाद स्टिकर वीजा हमको मिलेगा। तो यार पहला चीज़ बेसिक क्वेश्चन होता है थाईलैंड स्टिकर वीजा की फीस कितनी है। फीस है सिंगल एंट्री की 2500 रुपये, 500 रुपये VFS अपना चार्ज देता है, 300 रुपये कुरियर सर्विस अगर आप VFS में अपना पासपोर्ट जमा करते हो और आप नहीं जाना चाहते दोबारा पासपोर्ट लेने, तो सीधा आपके घर पे कुरियर सर्विस के थ्रू भेजा जाएगा, उसका वो चार्ज करेंगे 300 रुपये। टोटल कितना हो गया 3300 रुपये सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री में जैसे कि एग्जांपल मैंने थाईलैंड का वीज़ा अप्लाई कर, मैं आज बैंकॉक गया, तो मैं सिंगल एंट्री से 60 दिन तक वहाँ पे स्टे कर सकता हूँ, 60 डेज, हाँ 2 महीने के लिए मैं बैंकॉक में स्टे कर सकता हूँ उस वीज़ा से 2500 रुपये में। ये एक ऑप्शन है, और ये वीज़ा वैलिड होता है 3 महीने तक। मैंने आज वीज़ा अप्लाई किया, मैं 15 दिन जाना चाहूँ, 20 दिन बाद जाना चाहूँ, 2 महीने बाद जाना चाहूँ, 3 महीने तक वैलिड होता है वीज़ा। तो एक तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आपको बैंकॉक पहुँच कर लाइनों में लगना, वीज़ा अराइवल का फॉर्म भर के टेंशन लेना, एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना, वहाँ पे करना पड़ता है 2200 बाद अराउंड 4500-5000, और इंडिया से 3000 में आपका स्टिकर वीज़ा आपको मिल जाता है अगर आप पूरे सर्विस नहीं लेते। ये तो हो गया सिंगल एंट्री वीज़ा। अगर आपको चाहिए मल्टीपल वीज़ा एंट्री चाहिए, भाई मैं बहुत बार बैंकॉक जाता हूँ और मुझे आज गया 10 दिन बाद फिर जाना है, उनके लिए एक वीज़ा होता है जिसकी फीस होती है 12000 रुपये, जिसका वैलिड वीज़ा रहेगा आपका 6 मंथ तक, और ये भी आपको 60 डे का बैंकॉक में स्टे देता है एक बार एंट्री पर। जैसे मैं आज बैंकॉक गया, मैं 60 दिन तक स्टे कर 2 महीने तक, वापस आया 2 दिन इंडिया में रुक के, फिर दोबारा बैंकॉक गया, फिर 60 दिन स्टे कर सकता हूँ। ये वीज़ा वैलिड रहेगा 6 मंथ तक। 12000 रुपये आपकी फीस होती है इसकी, सेम 500 रुपये VFS का चार्ज है, 300 रुपये कुरियर सर्विस अगर आप पासपोर्ट VFS ऑफिस से लेने नहीं चाहते हो तो उस केस में। ये तो होगी बेसिक। कुछ यार बेसिक चार्जेस होते हैं VFS के, अगर आप एडिशनल सर्विस लेते हो, स्क्रीन के ऊपर आपको शो कर रहा होगा कौन कौन से उनके बेसिक चार्जेस हैं, तो इन चार्जेस के बेस पे आप सर्विस ले सकते हो। और मैं आपको रिकमेंड करूँ, सर्विसिंग नीड नहीं है, कोई नीड नहीं होती। एक VFS का ऑफिस का नंबर होता है थाईलैंड VFS का, वहाँ पर कॉल करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि मेरा जो स्टिकर वीज़ा है उसका प्रोसीजर क्या है, कितना लंबा है, कितना टाइम लगेगा, वीज़ा लग गया लग गया मेरा। और वैसे भी 2-3 working days में आपका वीज़ा आपको लग के आपके घर पे कुरियर हो जाता है, और आपको कॉल भी आता है आपका वीज़ा लग चुका है और आपको पासपोर्ट भेज देगा या अपना पासपोर्ट लेने आ जाएगा। इश्यू एक चीज़ यार, डॉक्यूमेंट्स लेने की नीड होती है। डॉक्यूमेंट एक आपको चाहिए थाईलैंड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपको मिलेगा थाईलैंड की वेबसाइट पर, थाईलैंड VFS की वेबसाइट पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जहाँ से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर भर सकते हो। आपको चाहिए फ्लाइट टिकट इंडिया टू बैंकॉक, बैंकॉक टू इंडिया। आपको चाहिए होटल बुकिंग। आपको चाहिए 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, जिसमें आपको अपना क्लोजिंग बैलेंस शो करना पड़ेगा 60,000। बहुत लोग बोलते हैं पर मंथ 60,000 क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, नहीं, मैंने जब वीज़ा अप्लाई किया था मेरा क्लोजिंग बैलेंस 10-15 हज़ार था हर महीने का। वीज़ा से 5 दिन पहले मैंने 60,000 डाला, और वीज़ा के पास वीज़ा अप्लाई करने से 5 दिन बाद मैंने उसको अपना स्टेटमेंट निकाल कर अपनी स्टेटमेंट लगा दी, और उसमें क्लोजिंग बैलेंस शो कर 60,000, मेरे बैंक में 60,000 रुपये हैं बस। और आपके पास में पासपोर्ट जो है 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, प्लस उसके अंदर 2 पेजेस खाली होने चाहिए। ये बेसिक चीज़ हो गई। अगर आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट लगाने हैं, अगर आप ITR लगा दो, ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट से नीड नहीं है, लगा दो अपनी फाइल स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और अपना प्लान बता दो मैं पहले दिन बैंकॉक में यहाँ जाऊँगा, यहाँ रुकूँगा, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पाँचवा दिन, छठा दिन, मेरा यही प्लान है। अगर आपको नहीं पता प्लान कैसे बनाना है, मेरे बैंकॉक की दोनों सीरीज देख लो, जो जो मैंने 6-7 डेज में किया, आप भी सेम ऐसा लिख के उनको सबमिट कर सकते हो। तो ये हो गई डॉक्यूमेंट्स के लिए। हाँ, टाइम कितना लगता है, टाइम बता चुका हूँ मैं आपको, 2-3 working days लगते हैं। वर्किंग डेज होते हैं जो कोई नेशनल हॉलीडे नहीं है, सैटरडे संडे इंक्लूड नहीं है, मंडे टू फ्राइडे कोई ऑफ नहीं है, ठीक है। ये हो गया बेसिक चीज़ें। थाईलैंड वीज़ा अप्लाई करने का बहुत बड़ा यार वो नहीं है झमेला, बहुत आसान है। जाओ डॉक्यूमेंट्स लो, थाईलैंड ओके जाओ और अप्लाई कर दो। जब आप फीस सबमिट करते हो तो वहाँ से आपको रिसिप्ट मिलती है, स्क्रीन के ऊपर आपको शो भी कर रही होगी वो रिसिप्ट। वही रिसिप्ट मुझको मिली थी, वो रिसिप्ट मेरे पास रहती है, और जब मैं VFS जाता हूँ तो मुझे रिसिप्ट देकर अपना पासपोर्ट लेना होता है, या फिर जो कुरियर सर्विस वाले आपके घर पे आएंगे वो आपसे रिसिप्ट लेते हैं, इन्हें पता नहीं, वो आपको अपनी से संभाल के रखनी है, वो आपको बस प्रूफ होता है कि आपने अमाउंट पे करा है।
अगर वीजा रिजेक्ट हुआ, रिफ्यूज हुआ, उस केस में आपको थाईलैंड VFS पैसा वापस नहीं करना, ना आपके 500 रुपये फीस और ना ही आपको आपके 2500 रुपये वीजा अप्लाई करेंगे। बट डायरेक्टली कभी भी थाईलैंड वाले वीजा अप्लाई जब करते हो आप तो रिजेक्ट नहीं करते, वो आपको बताएंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स की नीड है, ये डॉक्यूमेंट लगा दो, एफिडेविट लगा दो, आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, साथ में अपने पापा की घर में जॉब करने पर उसकी स्टेटमेंट लगा दो, ये सारी चीज़ें होती हैं। दो फोटोग्राफ लेके जाना ज़रूर, क्योंकि जब आप VFS जाते हो उसके बाहर जो शॉप है ना, 30 रुपये 20 रुपये फोटो कॉपी के, 100 रुपये 200 रुपये आपके फ़ोटो आपके फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ के लेते हैं। तो अपने पास से डॉक्यूमेंट लेके जाओगे तो पैसा बचा पाओगे, नहीं लेके जाओगे फिर वही चीज़ है, इससे बढ़िया जाके वीज़ा अराइवल ले लो, महंगा पड़ रहा है, पैसा बचाने के लिए अप्लाई कर रहे हो ना। एक चीज़ आपको बता दूँ, सबसे इम्पोर्टेंट, वीज़ा अराइवल आपका स्टैम्प वीज़ा और स्टिकर वीज़ा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वीज़ा होता है स्टिकर वीज़ा, आपके पासपोर्ट की ना वैल्यू बढ़ जाती है आपके अगर पासपोर्ट पे स्टिकर वीज़ा लगा हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी यार वीज़ा को लेकर, आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हो, नहीं तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर आकर जिसका लिंक जिसका यूज़र आईडी आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा यहाँ पे आके मेरे से बात कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो, सबको डिस्कस कर सकते हो वीज़ा के लिए। वह आशा करता हूँ आपको बैंकॉक की ये स्टिकर वीज़ा की वीडियो अच्छी लग रही, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो जिससे वो भी स्टिकर वीज़ा अप्लाई करके बैंकॉक जा सके, और चैनल सब्सक्राइब ना भूलना। बाकी मिलते हैं आपसे नए वीडियो में अगले ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय।